बागमारा के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने बताया कि माल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत संपूर्ण राज्य में आगामी 10 फरवरी से 25 फरवरी तक लोगों को फाइलेरिया एवं कृमि की दवा खिलाई जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री प्रजापति ने कहा, 10 फरवरी को सभी आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र एवं बूथ में इसकी दवा खिलाई जाएगी, जबकि 11 फरवरी से 25 फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मी घर घर घूमकर लोगों को इन दवाओं को खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमारी वाले व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाएं इन दवाओं का सेवन नहीं करेगी। एक वर्ष से दो वर्ष तक के बच्चे सिर्फ एल्बेंडाजोल का प्रयोग करेंगे। इन दवाओं को खाने से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा, फाइलेरिया जिसे साधारण भाषा में हाथी पैर का रोग कहते हैं, इसके कीटाणु प्रत्येक व्यक्ति से शरीर में मौजूद रहते हैं। यह कीटाणु उचित उपस्थिति पाते ही तथा मच्छर के काटे जाने पर शरीर में विकसित होने लगते हैं और हाथी पांव या फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी निर्धारित खुराक लेनी चाहिए ताकि भारतवर्ष को कृमि एवं फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सके। हेतु राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अर्थात नेशनल डर्मिंग डे 10 फरवरी को कृमि से निजात पाने की दवा एल्बेंडाजोल की खुराक खिलाई जाएगी। 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया और कृमि का दवा खिलाने का जो अभियान है उसमें क्या तैयारी है? इसमें संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य कर्मी यद्यपि जो कंट्रेक्चुअल पे हैं वो अभी हड़ताल पे हैं, लेकिन उसके स्थान पे आंगनबाड़ी सेविकाएं उन्हें प्रशिक्षित किया गया है और 10 फरवरी को सभी केंद्रों में यानी बूथों में ये दवाएं खिलाई जाएगी। उसमें दो इसके अंतर्गत में दो दवाएं हैं, एक तो फाइलेरिया की दवाई हो गई और दूसरा हो गया एल्बेंडाजोल जो कृमि की दवाई है। और 11 फरवरी से 25 फरवरी तक घर घर घूम करके इन्हें प्रशिक्षित किया गया है कि इस प्रकार से कि वो घर घर घूम करके लोगों को दवाई खिलाएं। इसके संबंध में है कि दवाई सामने में खाना है लोगों को और लोगों से यही अपील है कि दवाई सामने में खाएं और इसके साइड इफ़ेक्ट के विषय में कदापि संकोच न करें, शंका न करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट यदि हल्के फुल्के अगर होते हैं तो उसके लिए हमारे क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है प्रखंड स्तरीय ये है और उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, उसको समाधान करेगी। यदि इचिंग होता है फाइलेरिया की दवाई खाने से, इचिंग अगर हो रहा है या हल्के फुल्के अगर यदि जी मचल रहा है, उल्टी होने की अगर टेंडेंसी हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो दवाई आपके शरीर में काम कर रहा है। चूँकि हर व्यक्ति के शरीर में ये कीटाणु मौजूद हैं और उन्हें उचित अवसर पड़ते ही पाते ही या उचित परिस्थिति पाते ही वो कृमि जो है ना कीटाणु अपना काम करते हैं और फाइलेरिया नामक जो दवाई ये रोग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमारा अपील है, ये भारत सरकार का अपील है कि इसे दवाई लेना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को और सरकार के इस जो प्रोवाइड किया जा रहा है इस अभियान उसमें सहयोग करना चाहिए। मेरा अपील इसी तरह से है जनता के लिए। आज भी फाइलेरिया रमजान का कार्यक्रम 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि मीडिया के सहयोग से, जैसे परसों हम लोगों ने ब्लॉक में PRI मेंबर के साथ एक मीटिंग की थी उनके सहयोग के लिए। दो बार डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग हो चुकी है, दो बार ब्लॉक टास्क फोर्स की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें शिक्षा विभाग, बालिका योजना विभाग, सभी के पदाधिकारी और सभी लोग आए थे। और अभी हम मीडिया का सहयोग चाहते हैं कि 10 तारीख से 25 तारीख तक जो ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें सरकार का उद्देश्य है कि फाइलेरिया के रोगियों के लिए ये दवाइयाँ दी जा रही है, उसमें जनमानस इसमें सहयोग करें और अगर वो स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं उनके घर तक दवाई खिलाने के लिए तो वो दवाई खाएं। 10 तारीख को बूथ पे, स्वास्थ्य केंद्रों पे और आंगनबाड़ी केंद्रों पे ये काम होगा और 11 तारीख से घर घर जाके स्वास्थ्यकर्मी दवाई खिलाएंगे, जिसमें फाइलेरिया की दवाई और पेट की कृमि की दवाई दी जाएगी एक साथ। और ये जरूरी है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, क्या कि कोई भी अगर फाइलेरिया से ग्रसित होता है अच्छे से और जब उसको डिसेबिलिटी हो जाती है, पैर हाथ का मान लीजिए हाथी पांव हो जाना या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें, जब बीमारी गंभीर रूप ले लेती है तो वो समाज पे एक बोझ टाइप से बन जाता है, वो खुद पे एक बोझ टाइप से बन जाता है और वो देश के और राज्य के आर्थिक पे भी उसका असर पड़ता है। तो उसके ऐसा होने से पहले ही अगर ये दवाई लगे वो जैसे 6 महीने में सरकार चलाती है चक्र, अगर वो खाते हैं तो उनका फ़ायदा है और इसका कोई बुरा असर नहीं है। थोड़ा बहुत जो साइड सिम्टम्स है उल्टी का, नोसिया का, ये सब जब हो तो उसको एक गुड साइन माना जाए कि इसका मतलब है कि आपके शरीर में वो कीड़ा था जिस पे ये दवाई असर की और आपको वो रिएक्ट एकदम बढ़िया। तो इसमें जनमानस से हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि इस बार, और आप लोगों से भी अपेक्षा है मीडिया कर्मी से भी, कि वो लोग जागरूकता फैलाएं।
Yeah.